हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टेस्ट फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यार हम केस स्टडी करने वाले एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट्स पे। हम बात करेंगे गाइस कि इस तरह की वेबसाइट्स में हमारा क्या फ्यूचर है, प्लस इसमें हम कितना अर्निंग कर सकते हैं, हमें कीवर्ड्स कहाँ से मिलेगा, किस तरह से हम काम करें, डोमेन कैसे लेना, होस्टिंग कैसे परचेज करना है, तो सारा कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पे मैंने जनरली एक वेबसाइट को गाइस टारगेट किया है जो कि है learncbse.in। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिमिलर वेब के थ्रू इसके ट्रैफिक को एनालाइज कर, तो जैसे हम इस एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ चुका है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस वेबसाइट पे गाइस मंथली का जो है ना 45 मिलियन तक का भी ट्रैफिक गाइस इस वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे आया हुआ है। ठीक है, और अभी करंट कितना ट्रैफिक चल रहा है गाइस, इसके लिए गाइस हमें इस वेबसाइट को AHREF टूल के थ्रू एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको एनालाइज करके पूरा डेटा निकाल के बताऊंगा कि ये किस किस मतलब ये कीवर्ड्स पे ये जो वेबसाइट्स है वो रैंक कर रही है, और वो कीवर्ड्स आपको कहां से मिलेगा, वो सारा कुछ गाइस मैं आपको बताऊंगा ठीक है इसी वीडियो में। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, सिमिलर वेब से हमने मतलब इसे एनालाइज किया, तो यहां पे जो डेटा निकल के आ रहा है वो है 45 मिलियन के आसपास गाइस इसे मतलब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ट्रैफिक आता, जो कि काफ़ी ज़्यादा है गाइस, काफ़ी बहुत ज़्यादा यार ट्रैफिक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गाइस इस तरह से कुछ इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। और यहाँ पे जो इस वेबसाइट की स्ट्रैटेजी है गाइस वो काफ़ी सिंपल सी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट जो CBSE के 10th 12th 9th 8th क्लास के जो भी नोट्स होते हैं गाइस, जो PDFs होते हैं, जो नोट्स बुक होते हैं, और जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो सब ये वेबसाइट गाइस प्रोवाइड करती है, जो कि गाइस आपको इंटरनेट पे यार काफ़ी सारे अवेलेबल मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, जिसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो भी आप कंटेंट देख रहे हो 100% यार कॉपी पेस्ट ही वर्क है। ठीक, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जो इन्होंने कंटेंट डाला है गाइस इनका खुद का है, ये सारे का सारा गाइस कॉपी पेस्ट ही वर्क है, बस अपने लेआउट में गाइस प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इस तरह की वेबसाइट्स पे यार मानो अगर एडसेंस का अप्रूवल नहीं भी मिलता है ना, अगर आप कॉपी पेस्ट के करके काम करते हो, तो यार एडसेंस के अलावा और भी काफ़ी सारे मतलब कि जरिया हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सबसे जो मेन अर्निंग का सोर्स है गाइस वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे गाइस किसी भी पर्टिकुलर बुक को आप टारगेट करके भी गाइस यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जिसमें गाइस आप एडसेंस से भी बहुत ज़्यादा बेटर अर्निंग कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से जैसा कि आप जानते हो यार मतलब कि जो ये एजुकेशन सेक्टर है ना यार, इसका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एवरग्रीन है, मतलब कि ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, आपके मरते दम तक भी ये गाइस इस तरह की जो वेबसाइट है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बुरा मत माना, लेकिन मैं बस कहने का मतलब है कि यार ये लाइफ लॉन्गर वेबसाइट्स चल सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो वेबसाइट्स होता है गाइस वो क्या होता है, एवरग्रीन होता है, जिसका गाइस कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, तो यहाँ पे गाइस आप बिल्कुल लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो, वो भी दबा के, अगर आपके पास एडसेंस भी नहीं है फिर भी आप एफिलिएट से अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल सिंपल कॉन्टेंट यार इन्होंने डाला, जैसे आप क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कितना सिंपल, जस्ट जनरेट प्रेस थीम का ही आई थिंक यूज़ करके गाइस इस वेबसाइट्स को क्रिएट किया गया, और काफ़ी अच्छी स्पीड रहती है। जैसे कि आप जानते हो जनरेट प्रेस का कितना मतलब कि कम साइज़ का इसका जो थीम होता है गाइस, और इसकी स्पीड्स भी काफ़ी बेटर होती है। ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट्स है जो कि बिल्कुल सिंपल लेआउट से है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कंटेंट वगैरह राइटिंग करना है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अब हम इस वेबसाइट को गाइस AHREF टूल में डाल के एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं इसका एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने AHREF टूल में इसकी वेबसाइट को गाइस एनालाइज कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है गाइस जैसा कि आपके सामने है, UR इसका 42 है, DR इसका 53 है, बैकलिंक कुछ ये है गाइस। ठीक है, रेफरिंग डोमेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्लस जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है गाइस, जिस मतलब कि कीवर्ड्स पे ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स गाइस रैंक कर रही है, वो है 381 के आसपास। ठीक है, मतलब कि इस इतने के आसपास गाइस यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे जिस पे ये रैंक कर रही है, और इस पे जो करंट ट्रैफिक है अभी 2.2 मिलियन के आसपास इस वेबसाइट पे पर्टिकुलरली करंट ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, मंथ का, और यहाँ पे जो इसका ट्रैफिक वैल्यू जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस 346K यार, चूँकि सचमुच यार कमाल है। ठीक है, अब मैं इसका लमसम आपको बताऊं कि ये पर मंथ कितना मतलब ये पर डे का कितना अर्न कर रही है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे गाइस इसे एनालाइज करने के लिए मैंने वेबसाइट का यूज़ किया है स्टेटस्कोप, और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो वेबसाइट है गाइस वो 7 साल पुरानी वेबसाइट है, और इसकी जो पर डे की अर्निंग है गाइस वो मतलब कि $1000। ठीक है, जो कि आप समझ सकते हो गाइस मतलब कि
70,000 से 75,000 के आसपास का यार इसका पर डे की अर्निंग है गाइस इस वेबसाइट्स की। ठीक है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं मैं बता रहा, लेकिन इतने के आसपास गाइस ये जो वेबसाइट है गाइस वो अर्निंग कर ही लेती है। वो ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, क्या होता है ना कि ट्रैफिक भी यार फ्लक्चुएट करता है मंथ वाइज। ठीक है, कभी मतलब कि 1 लाख ट्रैफिक है तो कभी 1 मिलियन पहुँच जाता है। तो इस तरह ट्रैफिक आपके कॉन्टेंट पर भी मैटर करता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हो जो भी आपको टूल्स बताती है गाइस वो अप्रॉक्सीमेट बताती है कि इसके आसपास मतलब कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे मतलब कि डेटा है इतना। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यार $1,000 है, तो इससे कम तो कितना कम हो सकता है गाइस। यहाँ पे ये वेबसाइट अगर ट्रैफिक के हिसाब से मैं बात करूँ तो गाइस $500 पर डे का तो मतलब कि आँख बंद करके निकालती ही होगी गाइस। ठीक है, तो अब बात आती है गाइस कि आपको इस तरह की वेबसाइट्स पे आखिर काम किस तरह से करना है। ठीक है, हमें कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? तो यार देखो, कीवर्ड्स मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पर्टिकुलर वेबसाइट्स को आप टारगेट करना चाहते हो लाइक जैसे इसी को लर्न CBSE को, तो इसके कीवर्ड्स गाइस 1000 कीवर्ड्स गाइस मैं आपको गाइस प्रोवाइड करूंगा। बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है गाइस। ठीक है, और कमेंट में आपको लिखना है कि आखिर ये कीवर्ड्स आपको क्यों चाहिए, और उसके साथ गाइस आपने अपना मेल आईडी भी मतलब ये पुट कर देना, जिससे मैं आपको मेल पे गाइस 1000 कीवर्ड्स गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा पर्टिकुलर इस वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें इस तरह की वेबसाइट्स पे काम किस तरह से करना है आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आपको फास्ट वेब होस्टिंग को परचेज करना है। ठीक है, आप चाहे तो होस्टिंगर का भी ले सकते हैं, नहीं तो गाइस मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा HostGator का, जो कि काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यार देखो, इसका जो परचेज़ करने का जो मेन पर्पस है गैस वो है गैस सर्वर। इसका जो सर्वर है गैस वो इंडिया में भी मतलब कि अवेलेबल है, जिससे क्या है कि इस पे जो स्पीड है वो काफ़ी कमाल की आपको मिलने वाली है इस पर्टिकुलर होस्टिंग पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडिया में भी इसका सर्वर है और USA में भी इसका सर्वर है। ठीक है, USA पे अगर आप क्लिक करते हो तो कहीं ना आपका जो प्राइस है गैस थोड़ा सा चीप आपको पड़ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ₹99 पर मंथ आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडियन सर्वर लेते हो तो आपको ₹149 पर मंथ पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको यार इंडियन सर्वर के साथ ही जाना अगर आपको एक बेहतर स्पीड चाहिए तो। ठीक है, नहीं तो आप USA सर्वर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसके अलावा होस्टिंगर का भी आप प्लान परचेज कर सकते हो, उसका काफी ज्यादा चीप होता है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप उसका भी प्लान आप ले सकते हो। दोनों की लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां से आप होस्टिंग को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है गाइस कि डोमेन हमें किस टाइप का लेना चाहिए। तो यार यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन यार जननी आप ऐसा लो जिसमें यार लर्न CBSE मतलब कि जो कीवर्ड है वो आपका आना चाहिए। ठीक है, जैसे जिस भी निच पे आप काम करना चाहते हो, जैसे चाहे एजुकेशन की वेबसाइट्स हो या मीम्स की हो या फनी वेबसाइट्स हो या बायोग्राफी की वेबसाइट्स हो, तो कहीं ना कहीं उस डोमेन में यार आपका कीवर्ड्स मैचेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम CBSE से रिलेटेड कंटेंट को डाल रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो learncbse.in इन्होंने डोमेन लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैची डोमेन है और काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। जैसे जब भी कोई पर्सन जो सर्च करता है ना लाइक जैसे 12th नोट्स CBSE नोट्स इस तरह से जैसे सर्च करता है जैसे 12th CBSE नोट्स, तो कहीं ना कहीं ये डोमेन गाइस हिट होता है और इसकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे आने की चांसेस के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यार आपको अपने डोमेन में अपना कीवर्ड्स को डालना ही डालना है किसी तरह भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो mylearncbse.in आप ले सकते हो अगर वो अवेलेबल है तो, अगर वो अवेलेबल नहीं है गाइस तो आप कुछ और ऐड कर सकते हो, लेकिन इन कीवर्ड्स को आपको डालना ही है। जैसे आप मतलब कि यूज़ कर सकते हो जैसे mylearncbse, ठीक है, तो ये तो अवेलेबल होगा तो उसे आपने परचेज करना है। तो किसी तरह आपको कीवर्ड्स अपने मतलब कि डोमेन में डालना है। ठीक है, और डोमेन गाइस आप GoDaddy से परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो HostGator से होस्टिंगर से भी आप डोमेन ले सकते हो। ठीक है, सभी की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस इस तरह से आपको डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज करना है, उसके बाद अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज करना है और फिर गाइस बस कॉन्टेंट्स को आपको डालना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और कंटेंट की गाइस यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली। ठीक है, गूगल पे गाइस आपको हर एक क्लास वाइज गाइस कंटेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सैंपल पेपर्स मिल जाएगा। अगर आपको इस पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए गाइस किस तरह से हम कंटेंट मतलब कि जो एक SEO फ्रेंडली कंटेंट हम लिख सकते हैं इस तरह की वेबसाइट पे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, इस पे भी गाइस काफ़ी जल्दी मैं वीडियो ले आऊँगा। ठीक, तो गाइस इस तरह के निच पे काम करने का यार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो अगर गाइस अभी से आप शुरू करते हो इस तरह की वेबसाइट्स पे काम करना, तो यार मतलब कि आप एडसेंस से नहीं बल्कि एफिलिएट से भी काफ़ी अच्छी खासी आप अर्निंग कर लोगे। ठीक है, और आपकी जो अर्निंग है गाइस वो एफिलिएट के थ्रू गाइस काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी एडसेंस के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि एडसेंस पे कहीं ना कहीं यार हमें एक पर्टिकुलर ट्रैफिक चाहिए होता है, तभी हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे गाइस आप बुक सेल्स करके काफ़ी अच्छा खासा आप कमा सकते हो।
सो गाइस ये कुछ था इस वेबसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप भी यार इस तरह की वेबसाइट पे काम करना चाहते हो, मूड बना लिया तो बहुत अच्छी बात है गाइस। ठीक है, काम करो और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको गाइस ये 1000 कीवर्ड्स बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट गाइस प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और इसके थ्रू गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो भी मैं कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करूँगा वो लो कॉम्पिटिशन बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब कि 0 to 10 के आसपास उसकी KD होगी, जो कीवर्ड डिफिकल्टी होगी वो 0 to 10 के आसपास होगी, जिससे आपकी मतलब आर्टिकल्स के रैंक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर गाइस आपको ये HRF टूल चाहिए तो आप इसे गाइस SEO टूल अड्डा से परचेज कर सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।